सैटरडे का जो मैंने अपॉइंटमेंट था ना, वो डॉक्टर ने अभी कॉल करके मेरे को बुलाया 4:30 बजे, तो अभी फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा घर पर। सो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब पे व्लॉग में। और अभी गाइस सुबह के लगभग 10:30 बज चुके और अभी मैं आ चुका हूँ गोरेगांव में उमिया माता मंदिर के अंदर। तो यहाँ से ना गाइस मैं दोनों ऐप के डिवाइस लॉग इन करने वाला हूँ, एक तो पोर्टर ऐप का और एक सेकंड अंकल डिलीवरी ऐप का। तो दोनों ऐप के मैं डिवाइस अभी लॉग इन करने वाला हूँ। तो आज देखते हैं गाइस कौन से ऐप में कितना अर्निंग होता है पूरे दिन का अपना। तो ये सब देखने लगा गाइस, पूरा ब्लॉग मेरा एंड तक देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा। और जिसने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जाके आपके भाई के चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे मेरी आने वाली वीडियो रहेगी ना आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी, ठीक है। सो हे गाइस, अभी मुझे आ चुका पोर्टर पे ट्रिप। और अभी गाइस अभी मैं आ चुका कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। गाइस ज्यादा मतलब ज्यादा दूर नहीं था पिकअप लोकेशन, मैं सोचा कि बाद में आपको बता देता हूँ। तो अभी भाई मैं क्लाइंट के यहाँ पे आ गया हूँ, मैं ब्लॉग बना रहा था अंकल, टेंशन नहीं लेना। सो हे गाइस, ब्लॉग शूट कर रहा था ना तो कस्टमर आ गए थे, भाई कुछ बोले नहीं, मैंने उनको तो बोल दिया मैं ब्लॉग वगैरह शूट करता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन नहीं दिक्कत है, कोई बात नहीं भाई, मैं वापस कंटिन्यू किया। तो अभी फटाफट अभी मटेरियल लोड कर लेते हैं, कुछ अमूल का मिल के, अमूल मिल के ना वो मुझे कुछ लोड करना है, 40 बॉक्स है, तो मुझे लेके जाना है संतोष नगर में। तो गाइस फटाफट लोड कर लेते और फिर निकल जाएंगे अपने ड्रॉप लोकेशन, ठीक है। सो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी अपना मटेरियल अभी लोड हो रहा है। तो ऐसे ही गाइस लगभग 40 बॉक्स है, मुझे लेके जाना है संतोष नगर में। तो फटाफट गाइस मटेरियल लोड कर लेते और फिर निकल जाएंगे अपना ड्रॉप लोकेशन संतोष नगर में, ठीक है। सो हे गाइस, फाइनली मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट। और अभी गाइस अभी मैं हूँ संतोष नगर में, लोअर प्राइस करके एक शॉप है वहां पे हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे अपना तो मटेरियल अभी पूरा अनलोड हो चुका है, फिर वापस मुझे जाना है पिकअप लोकेशन, क्योंकि ना गाइस गुड न्यूज है, कस्टमर ने कॉल करके मुझे बोल दिया कि भाई वापस आ जाओ, वापस एक अपना डिलीवरी है, वो अपना पर्सनल मारना, जो भी आपको भाई अमाउंट बोल देना मैं आ जाऊंगा। तो मैंने उनको भाई एक इतना इतना अमाउंट बोला है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना मैं कस्टमर से कितने चार्ज किए। तो गाइस लगभग जो उनका ड्रॉप लोकेशन है ना डिंडोशी के इधर ही है, तो 3 दुकान है, कुछ द मार्ट डी मार्ट ऐसा कुछ नाम है भाई दुकान का, अपने को पता नहीं, तो अंदर अंदर है कुछ। तो भाई मैंने उनको बोल दिया इतना इतना अमाउंट हो जाएगा, तो भाई अपना डील फिक्स हो चुका है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा भाई पिकअप लोकेशन, ठीक है। सो ही गाइस अभी वापस आ चुका हूँ मैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। तो फटाफट भाई मटेरियल यहाँ पे लोड कर लेते हैं और फिर निकल जाएंगे वापस अपने ड्रॉप लोकेशन गोकुलधाम में। तो आपको दिखा देता हूँ मैं पूरा मटेरियल। तो ये पहला मटेरियल ना जो दूध का लेके जा रहा था, अभी भाई श्रीखंड पनीर वनीर सब है और चीज़ वगैरह भी है, तो आपको दिखा देता हूँ मटेरियल, ठीक है। तो ही गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मटेरियल, देखो भाई श्रीखंड है वहाँ पे, बटर है ये, भाई यहाँ पे देखो चीज़ है भाई, ये सब पूरा प्रोडक्ट मुझे लेके जाना है गोकुलधाम में। तो भाई फटाफट लोड कर लेते हैं फिर निकल जाएंगे अपने ड्रॉप लोकेशन, ठीक है। सो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ गोकुलधाम में। तो भाई जी मार्ट है ना वहाँ पे, देखो ये पूरा आगे का भी पूरा मटेरियल यहाँ पे पूरा अनलोड हो जाएगा। और अपना नेक्स्ट लोकेशन ना गाइस कृष्णा वाटा का मंदिर है ना वहाँ पे, तो बाकी पीछे का पूरा मटेरियल फिर अनलोड हो जाएगा वहाँ पे। तो मिलते हैं गाइस सीधा भाई अपने ड्रॉप लोकेशन पे लास्ट, ठीक है। सो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ ओम मठ, जो कि एक गाइस कृष्णा वाटा का मंदिर है गोकुलधाम में, उसके अंदर ही है। तो ये बस इतना भी है अपना लास्ट ड्रॉप लोकेशन है, ये फटाफट अभी मटेरियल भी अनलोड कर लेता हूँ। सो हे गाइस, फाइनली मेरा ट्रिप हो चुका है कम्प्लीट। और गाइस है ना मैं दिन भर में ना भाई अभी दोपहर के लगभग अभी 3 बज रहे, तो गाइस मैं 15 किलोमीटर भी अब तक घुमा नहीं हूँ, 15-16 किलोमीटर पकड़ो मैं अब तक, तो इतना भी घुमा नहीं हूँ भाई, अपना अच्छा खासा अपना अर्निंग हो चुका है, बहुत मजा आया, मतलब वेटिंग बहुत था भाई कस्टमर का और मैंने वैसे चार्ज भी किया। तो आपको बता दूं गाइस अभी मैं यहाँ पे डे अभी पूरा एंड कर रहा हूँ, मतलब अभी मैं सीधा जाऊँ घर पर, लेकिन अगर सैटरडे का जो मैंने अपॉइंटमेंट था ना, वो डॉक्टर ने अभी कॉल करके मेरे को बुलाया 4:30 बजे, तो अभी फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा घर पर। लेकिन अगर कल शायद डॉक्टर बाहर जा रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने कॉल किया, तो मुझे बोला कि भाई कल मत आ, आज ही आ जाओ, आपको टाइम मिला जैसा, मतलब ठीक है ना, फिर कल जाने से चाहे अभी आ जाता हूँ ना, वैसे आज एक प्राइवेट ट्रिप ने भाई अपना बोलते ना अच्छा खासा अमाउंट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे ही ब्लॉग अभी यहाँ पे एंड करता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको बता देता हूँ, पोर्टर से ना गाइस जो मेरा फर्स्ट ट्रिप आया ना वो 320 रुपये का था, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, लेकिन भाई मैंने मतलब कस्टमर को मैंने हेल्प किया मटेरियल थोड़ा उतारने में, उन्होंने 30 रुपये टिप दिया भाई, 350 रुपये का अपना वो अमाउंट हो गया। और जो प्राइवेट ट्रिप जो मिले भी मिला ना यही कस्टमर का, उनसे मैंने ना गाइस 650 रुपये चार्ज किया, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो,
भाई डेट भी चेक कर लो, टाइम भी चेक कर लो। जैसे भाई मटेरियल अपना अनलोड हो गया ना, वैसे मैंने उनको बोल दिया भाई इतना इतना अमाउंट है आपको पे करना पड़ेगा। उन्होंने पे कर दिया 650 रुपया। तो क्या टोटल 1000 रुपए का अपना अर्निंग हो चुका है, क्या ही बोलो बताओ। एक पॉइंट भी मेरे सीएनजी पे हिला नहीं है और अपना 1000 रुपए का अर्निंग हो चुका है भाई, बहुत अच्छा खासा। ठीक है, तो ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद है, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे मेरी आने वाली वीडियो रहेगी ना आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।